बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं शाहिदुल हक और आप देख रहे हैं स्पोफिट स्पोर्ट्स चैनल है हमारा, और इस पे हम लोग फिटनेस और स्पोर्ट्स के लेजेंड्स के इंटरव्यूज़ और फिटनेस कुछ टिप्स देते रहते हैं। दोस्तों को आज मैं ये बताना चाहता हूं कि एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप क्रिकेट अप टू डेट इंशाल्लाह हम लोग इसी चैनल पे आपको देते रहेंगे। डिफरेंट एक्सपर्ट्स को हम लोग लाइव टेलीकास्ट भी करेंगे, और लिहाजा आप इस चैनल को अप टू डेट कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों से शेयर करें, ख़ासतौर पे स्पोर्ट्स कम्युनिटी को तो ख़ासतौर पे आप शेयर करें, क्योंकि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितनी भी गेम्स में हम लोग पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, हम लोग इन तमाम पे आपको माहिरीन के ज़रिए तबसरा देंगे। और सबसे बड़े के ये है कि इसी चैनल पर हम लोग आपको बताएंगे कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और फेडरेशंस ने क्या क्या तैयारियां की, क्या क्या ब्लंडर्स किए और क्या क्या वंडर्स होने जा रहे हैं, मींस कि हमें होप्स क्या हैं पाकिस्तानी कंटिजेंट से। तो इसकी मज़ीद तफसीलात जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और जी जनाब, पाकिस्तान जो पाकिस्तानी कंटिजेंट है वो 262 प्लेयर्स एथलीट्स और ऑफिशियल्स पर मुश्त है। पाकिस्तान 2023 एशियन गेम्स में जो पार्टिसिपेट करने जा रहा है, ठीक है, 25 डिफरेंट गेम्स में करने जा रहा है, 25 गेम्स 262 लोग हैं, और इसमें हॉकी भी शामिल है, इसमें बैडमिंटन भी शामिल है, इसमें बॉक्सिंग भी है, नहीं है तो वो गेम्स नहीं हैं जिसमें शायद कुछ और जैसे साइकिलिंग है इसमें नहीं है, हमारी और बहुत सारी गेम्स हैं जिनको इग्नोर किया गया है। जूडो है, जूडो में शाह हुसैन शाह की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, वर्ल्ड लेवल पे ओलंपिक क्वालिफायर है, जबकि दूसरी जानब नू दस्तगीर बट को भी इस गेम्स में नहीं लेके दिया गया, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट भी है और पाकिस्तान का वो एक बेहतरीन रिकॉर्ड होल्डर भी है। शिकवेश कायतें भी आपको बताते रहेंगे और आपको सारी अपडेट देंगे इसी एशियन गेम्स अपडेट पे, और साथ में हम लोग क्रिकेट वर्ल्ड कप पे भी एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं लगातार, और तकरीबन एवरीडे बेसिस पे लाइव टेलीकास्ट करेंगे। एक्सपर्ट्स होंगे इसमें, इसमें टॉप लेजेंड्स जो है वो हमारे साथ बैठेंगे और वो एनालिसिस करेंगे कि उनकी गेम के मुताबिक क्या होने जा रहा है। जी, एशियन गेम्स में 45 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हैरत की बात है कि पाकिस्तान के टॉप लेजेंड्स जो हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स के, वो एशियन गेम्स का हिस्सा नहीं, जिनमें नू दस्तगीर बट जिसने रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स से गोल्ड मेडल हासिल किया और नेशनल चैम्पियन है, रिसेंट नेशनल चैम्पियन भी है और रिकॉर्ड होल्डर है, वो ड्यू टू फेडरेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसकी वजह से वो इस एशियन गेम्स का हिस्सा नहीं है। जबकि दूसरी जगह में 400 और 200 मीटर के जो स्प्रिंटर हैं हमारे, जो टॉप रनर हैं, मोहित बलोच, वो भी इसका हिस्सा नहीं है। यानी कि जो एथलेटिक फेडरेशन है उसने तो रिकमेंड किया है, लेकिन जो पैरेलल फेडरेशन पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने बनाई हुई है उसमें वो लोग उसे लेके नहीं जा रहे। जबकि हमजा जो स्क्वॉश के टॉप लेजेंड है, इस वक्त जूनियर वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, उनकी भी सिलेक्शन जो है पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ने नहीं की उस टीम में जो कि एशियन गेम्स में जा रही है। एक और नाम है जो शायद एशियन गेम्स से हमेशा की तरह भाग रहा है और अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन भी कहता है, ही इज इनाम बट। इनाम बट जो है वो वैसे तो बहुत बड़ा लेजेंड बन रहा है, लेकिन हमेशा एशियन गेम्स से भागता है, और आई डोंट नो कि इस दफ़ा भी वो एशियन गेम्स का हिस्सा नहीं है। जब इतने बड़े लेजेंड्स नहीं खेल रहे होंगे तो यकीनन बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी भी कम होगी, लेकिन बहुत खूबसूरत न्यूज़ आ गई है। आज पहला दिन है एशियन गेम्स को स्टार्ट हुए हुए, मैच स्टार्ट हो चुके हुए हैं, ख़ासतौर पर वॉलीबॉल में पाकिस्तान ने कोरिया को 3-0 से हराया, और जो पाकिस्तान के कोच थे वो बहुत खुश हैं, जो कॉर्नर कोच थे
और खुशी से उनके आंसू थमते नहीं। दुनिया ने देखा। एक और बात यह है कि जो 262 लोग जा रहे हैं, इनमें 72 ऑफिशियल्स हैं, और जो 72 ऑफिशियल्स हैं, ये तमाम बातें इंशाल्लाह डिस्कस होंगी एवरी नाइट इंशाल्लाह 9 बजे, और बाय मंडे हम लोग लाइव टेलीकास्ट करेंगे इन तमाम चीज़ों को, और मेरे साथ कोई ना कोई इंशाल्लाह एक स्पोर्ट्स एक्सपर्ट होगा जो कि इस पे टेक्निकली और हर लिहाज से उस पे जो है हम लोग हाईलाइट करेंगे। प्लीज़ मेरे ख्याल से लिहाजा आप लोग अपने मोबाइल्स पे अपने अलर्ट लगा दीजिए, एक बेल आइकन को ज़रूर आप लोग प्रेस करें ताकि जैसे ही हमारा प्रोग्राम शुरू होगा तो आपके फ़ोन पे उसकी घंटी बज जाए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने कमेंट्स में ख़ास तौर पे डिफरेंट स्पोर्ट्स के सवालात ज़रूर भेजिए जो हम लोग एक्सपर्ट से कर सकें। थैंक यू वेरी मच।